दोस्तों हम निफ्टी में कैसे ट्रेड ले सकते हैं वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। फिलहाल अभी 9:45 हैं, अभी हमने कोई ट्रेड नहीं लिया है। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो अभी ये जो चल रहा है 17,708 के आसपास दोस्तों ये चल रहा है। एंड दोस्तों इसका हाई और ओपन देखते हैं। ओपन दोस्तों ये हुआ था 17,704 पे और हाई लगाया इन्हें 17,716 का, एंड लो इसने लगा दिया 17,663 का। अभी फिलहाल ये अपने हाई के आसपास ही चल रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों हम फ्यूचर देख लेते हैं इसका, जो फ्यूचर ने हाई लगाया दोस्तों 17,775 का हाई लगाया है और 17,767 के आसपास ही चल रहा है, मतलब अपने हाई के आसपास ही चल रहा है। एक बार हम चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। आज जो मार्केट ओपन हुआ थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, एंड आप ये देख सकते हैं जब से मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं, 5 मिनट के चार्ट में आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल वी वेब के ऊपर ही है। मुझे लगता है कि ऊपर जा सकता है। फिलहाल हम स्ट्राइक प्राइस ऐड कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि स्पॉट अभी चल रहा है 17,700 के आसपास, तो यहाँ हम ऐड करते हैं 17,800 का, देखते हैं कि किस प्राइस पे ये चल रहा है। ज़्यादा बड़ी स्ट्राइक प्राइस में काम नहीं करेंगे, 17,800 का 50 से ऊपर की स्ट्राइक प्राइस में काम करेंगे। अभी ये 26 रुपये के आसपास का है, 17,750 का देखते हैं। वैसे 17,700 का ही सही होगा, 17,750 भी देख लेते हैं दोस्तों। और ये चल रहा है आपका 44 का, 50 से नीचे का है, इससे ऊपर का लेते हैं 17,700 का, देखते हैं एक बार क्या प्राइस चल रहा है, फिर डिसाइड करेंगे कि हमें किस में ट्रेड करना है। या तो हम ATM में ट्रेड कर सकते हैं या स्लाइटली OTM, मतलब नेक्स्ट टू ATM में हम ट्रेड करेंगे। ये 68 का चल रहा है तो 68 या 750 दोनों ही बेटर हैं, देखते हैं हम किस में ट्रेड ले सकते हैं। फिलहाल हम 17,800 का यहाँ से हटा देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं 72 का इसने हाई लगाया हुआ 17,700 की कॉल ने। दोस्तों कॉल हम इसलिए लेके चल रहे हैं, मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जा सकता है। फिलहाल नेक्स्ट पिवट पॉइंट में सबसे पहले हम इसे डिलीट कर लेते हैं। 2 स्टॉक प्राइस बची हैं, देखेंगे हम किसमें ट्रेड ले सकते हैं। फ्यूचर देखें तो 17,775 का हाई है और उसी के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। एक बार और चार्ट देखते हैं दोस्तों, चार्ट ये ओपन हो चुका है, देखें तो ये पिवट पॉइंट दोस्तों नेक्स्ट पिवट पॉइंट आने ही वाला है। तो दोस्तों या तो ये पिवट पॉइंट के पास पहुंचेगा तब ट्रेड लेंगे या वहां से रिवर्स होगा तब। दोस्तों जो फ्यूचर है वो 17,796 के आसपास आ चुका है। ये वो हम चार्ट देखते हैं, चार्ट में आप देखेंगे कि ये अपने पीवट पॉइंट के आसपास आ चुका है और पीवट पॉइंट से दोस्तों थोड़ा सा ऊपर निकल चुका है 3 मिनट के चार्ट पर, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ ट्रेड ले सकते हैं, अगर ये ऊपर की तरफ निकलेगा तो हमें प्रॉफिट हो सकता है, अगर ये रिवर्स होगा तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो सकता है। तो इस तरीके से हम ट्रेड लेके चलेंगे। तो 17,700 के सी में दोस्तों हम यहाँ एंट्री लेने वाले हैं, तो ये हमने इस पर क्लिक कर लिया है। तो दोस्तों हम यहाँ ओवरनाइट वाला ही नॉर्मल वाला सिलेक्ट करेंगे, मार्केट प्राइस पे ही हम बाय कर लेते हैं एक लॉट में। तो दोस्तों हमने एक लॉट में यहाँ बाय कर लिया है दोस्तों। अब ये ऑन कॉस्ट ही है, तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस लगाने के लिए दोस्तों हम इस पर क्लिक करेंगे जो हमारी पोजिशन है, फिर एग्जिट पर जाएंगे। एग्जिट पर जाएंगे स्टॉप लॉस लिमिट हम सिलेक्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारी बाइंग 86 के आसपास की है, तो हम यहाँ 80 का स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं। 6 से 7 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है और यहाँ 80 से कम का प्राइस हम लिख देते हैं 79, और यहाँ हम 79 लिख देते हैं। स्वैप टू सेल दोस्तों हम कर देते हैं, दोस्तों हमने स्वैप टू सेल यहाँ कर दिया है, ठीक है। तो हमारा यहाँ स्टॉप लॉस लग चुका है 6 से 7 पॉइंट का, और दोस्तों हम ऑर्डर्स में जाके भी चेक कर सकते हैं कि हमारा यहाँ स्टॉप लॉस लग चुका है। दोस्तों एक बार चार्ट देखते हैं, चार्ट में हम देखेंगे कि ये कहाँ जा रहा है, पिवट पॉइंट से ऊपर जा रहा है या नीचे। आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ ही फिलहाल अभी मार्केट यहाँ जा रहा है दोस्तों। जितना पीवट पॉइंट से ऊपर जाएगा उतना हमें प्रॉफिट यहाँ हो सकता है, देखते हैं दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या हम प्रॉफिट में एग्जिट करते हैं। फिलहाल देखें तो ये 92 के प्राइस पे आ चुका है, अभी हमें कुछ प्रॉफिट नजर आ रहा है दोस्तों। 250 रुपये का प्रॉफिट है, एटलीस्ट हम दोस्तों 500 रुपये से ऊपर पर एग्जिट करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस, एटलीस्ट 10 पॉइंट का टारगेट तो रहना ही चाहिए, 10 से 12 पॉइंट या 15 पॉइंट जो भी हमें मिल जाए, ठीक है। स्टॉप लॉस को दोस्तों थोड़ा टेल कर लेते हैं, जैसे कि 93 पर जा चुका है तो हमने इसे टेल कर लिया है, 84 हमने यहाँ लिमिट पर रख दिया है। तो अब हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 86 के भाव पे आ चुका है, ऑन कॉस्ट ही दोस्तों हमने यहाँ स्टॉप लॉस को अपने रख दिया है। अब जो हमारा रिस्क है 50 रुपये से ज़्यादा का रिस्क दोस्तों यहाँ नहीं है, 50 से 60 रुपये का। तो आप यहाँ देखें तो ग्रीन कैंडल बन रही है दोस्तों, अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो हमें यहाँ प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों ये स्टॉप लॉस हमारा लगा हुआ है, तो और ट्रेल हम कर सकते हैं, ये हम 1 पॉइंट और बढ़ा देते हैं और अब हमें बिल्कुल भी लॉस नहीं हो सकता, हम ऑन कॉस्ट यहाँ निकल जाएंगे, ठीक है। तो अभी 350 रुपये का प्रॉफिट है दोस्तों, थोड़ा और वेट करते हैं, अगर हमारा प्रॉफिट बढ़ता है तो हम यहाँ से एग्जिट यहाँ
कर जाएंगे छोटे से प्रॉफिट के साथ। और अब हमारा जो लॉस है दोस्तों वो मैक्सिमम नहीं है, अब हम ऑन कॉस्ट यहाँ एग्जिट कर जाएंगे अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट भी होता है, अगर मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। एंड दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारी बाइंग वैल्यू है वो 4300 के आसपास की है, मतलब 4300 रुपये दोस्तों हमारे यहाँ लगे हैं एंड अभी प्रॉफिट जो है 300 रुपीज़ के आसपास नज़र आ रहा है। तो थोड़ा और वेट करते हैं, हो सकता है मार्केट 95-96 या 100 के आसपास दोस्तों हम यहाँ एग्जिट कर देंगे, जो भी हमें प्रॉफिट मिलेगा वहाँ हम एग्जिट कर देंगे, फिलहाल वेट करते हैं। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई थी, अभी रेड कैंडल दोस्तों यहाँ दिख रही है, अच्छा खासा ऊपर गई थी फिर हल्का सा नीचे आया, फिलहाल हम वेट ही करना पड़ेगा। और आप यहाँ देख सकते हैं 5 मिनट के कैंडल पे दोस्तों क्लोज हो चुका है पिवट पॉइंट के ऊपर, तो फिलहाल जो लग रहा है दोस्तों ऊपर ही जाना चाहिए मार्केट, और अगर नहीं जाएगा तो हम ऑन कोर्स यहाँ से निकल भी सकते हैं, जैसे कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ लगा हुआ है। एंड दोस्तों जो प्रॉफिट हमारा 300 से ऊपर नहीं जा रहा है, 300-350 के आसपास ही चल रहा है, तो हमें वेट करना है क्योंकि या तो हम छोटे से प्रॉफिट के साथ निकल जाएं या बड़े टारगेट के लिए दोस्तों हम थोड़ा वेट यहाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों हम एक ही लॉट में ट्रेड कर रहे हैं और हम एक ही ट्रेड करेंगे, चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे हमें लॉस हो, अभी 300 के आसपास का ही प्रॉफिट है। तो दोस्तों अगर आप बिगनर्स हैं तो आप एक लॉट में ट्राई कर सकते हैं, और आपको ये आपको बनाना होगा कि हम एक ही ट्रेड लेंगे, एक से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेंगे, तो ओवरऑल आप देखेंगे कि मंथ के एंड में आप प्रॉफिट में यहाँ से जा सकते हैं, बट आपको अपनी साइकोलॉजी ये तैयार करनी होगी कि एक ही लॉट में मुझे ट्रेड करना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। तो हमारा दोस्तों प्रॉफिट यहाँ कम हो रहा है, 10:23 हो चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया इस ट्रेड में हमें, और 86.90 पे हमारा ये बाइंग थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं धीरे धीरे ये हमारा प्रॉफिट कम होता जा रहा है, 90 के आसपास ये आ चुका है और 86 तो हमारा दोस्तों स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं दूसरी कैंडल भी दोस्तों रेड कलर की फॉर्म हो रही है, अगर पिवट पॉइंट तक आती है तो हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ हिट हो सकता है। तो 130 पे आ गया है, 130 दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा यह स्टॉप लॉस है वो यहाँ हिट हो चुका है, और जो हमारा लॉस है वो यहाँ 45 रुपीज़ का है, क्योंकि जो हमने स्टॉप लॉस लगाया था वो ट्रेल कर लिया था अपने ऑन कॉस्ट पर ही 86 के भाव पर, तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है क्योंकि मार्केट अचानक नीचे आया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिलहाल जो प्राइस चल रहा है अभी 80 के आसपास चल रहा है, दोस्तों अगर हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करते तो हमें यहाँ लॉस और भी ज़्यादा हो सकता था। ठीक है, तो दोस्तों एक बार हम देखते हैं कि हमने कहाँ पे बाइंग करी थी और कहाँ पे हमने एग्जिट हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने 86.90 पे बाइंग हुई थी और 86 पे हमारी एग्जिट यहाँ हो चुकी है, एक ही लॉट में ट्रेड किया है और एक ही ट्रेड की हमने किया है। तो फिलहाल ओवरऑल जो दोस्तों लॉस है आज का वो 45 रुपीज़ का है एंड अभी 79 पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों एक बार हम चार्ट देखते हैं, चार्ट में हमें समझ में आएगा कि प्राइस कहाँ ट्रेड कर रहा था। दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि अचानक मार्केट नीचे गिरा और 3-4 कैंडल हमारी रेड बनाई है जहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ओवरऑल जो दोस्तों हमारा प्रॉफिट और लॉस रहा है वो आज यहाँ 45 रुपीज़ का रहा है, एक ही लॉट में और एक ही ट्रेड में। तो दोस्तों अब हम यहाँ आगे ट्रेड नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, आज के लिए धन्यवाद।